और एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, यूपी के नए मुख्य सचिव होंगे मनोज कुमार सिंह। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, यूपी के नए मुख्य सचिव को लेकर मनोज कुमार सिंह बनाए गए हैं नए मुख्य सचिव। 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और यूपी के नए मुख्य सचिव उन्हें बना दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश अब मनोज कुमार सिंह होंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं नए मुख्य सचिव को लेकर, उत्तर प्रदेश के नए चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह को बना दिया गया है, जो कि 1988 बैच के ऑफिसर हैं, यूपी के नए मुख्य सचिव होंगे। तो 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर मनोज कुमार सिंह को उत्तर प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी बना दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, जो बदलाव यहां पर हुआ है। 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर मनोज कुमार सिंह को बना दिया गया है चीफ सेक्रेटरी। संकेत मिश्रा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। संकेत, यूपी के नए मुख्य सचिव को लेकर जानकारी ये कि मनोज कुमार सिंह अब अगले नए मुख्य सचिव होंगे। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर है कि मनोज कुमार सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव होंगे। और मनोज कुमार सिंह 1988 बैच के आईएएस अफसर हैं और उत्तर प्रदेश में कई अहम विभाग वो देख रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में एपीसी का भी चार्ज उनके पास में है। तो मनोज कुमार सिंह काम करने वाले अफसर हैं और यही वो वजह है कि उनको उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव बनाया गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में वरिष्ठ आईएएस अफसरों में मनोज कुमार सिंह शामिल हैं। और अगर बात की जाए दुर्गा शंकर मिश्रा की, तो दुर्गा शंकर मिश्रा का आज कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो ऐसे में आज उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, उनको पहले से ही 3 बार एक्सटेंशन दिया जा चुका है। तो अब उनके एक्सटेंशन पर पूरी तरीके से विराम लग गया है। मनोज कुमार सिंह को नया उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव बनाया गया है। मनोज कुमार सिंह 1988 बैच के आईएएस अफसर रहे हैं, कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो उत्तर प्रदेश में हुई उसको मनोज कुमार सिंह ने मजबूती से संभाला। इसके अलावा कई जो बड़े आयोजन उत्तर प्रदेश में हुए, कई बड़े जो विभाग हैं मनोज कुमार सिंह उनकी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। यही नहीं, मनोज कुमार सिंह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी अफसरों में माने जाते हैं और काम करने वाले अफसर मनोज कुमार सिंह हैं। वरिष्ठता के आधार पर भी मनोज कुमार सिंह 1988 बैच के आईएएस अफसर हैं। तो मनोज कुमार सिंह को उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव बना दिया गया है और आज ही चर्चा यह है कि वो चार्ज ले सकते हैं दोपहर के बाद में। और आज चूंकि दुर्गा शंकर मिश्रा जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, उनका कार्यकाल खत्म हो गया है, तो ऐसे में नए मुख्य सचिव के तौर पर मनोज कुमार सिंह की तैनाती की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका संकेत। तो सीनियर आईएएस ऑफिसर, जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया, 1988 बैच के सीनियर आईएएस ऑफिसर जो कि अब उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी होंगे,